भारत के सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे करने वाली कंपनियाँ। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 10 कंपनियाँ जो कि लगातार डिविडेंड पे करती है, जो कि सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे करती है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और चाहते हैं डिविडेंड से अच्छी अर्निंग करना, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वैसी कंपनियों के बारे में जो लगातार डिविडेंड पे करती है, साथ ही साथ कुछ ऐसी भी कंपनियाँ बताएंगे जिसमें आपको मल्टीवेगर रिटर्न भी मिल सकते हैं, मतलब जिसमें ग्रोथ की भी अच्छी पॉसिबिलिटी है, अच्छी संभावनाएं हैं। तो आपको ग्रोथ में जो मल्टीवेगर रिटर्न मिलेगा उसके साथ साथ ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न भी देगी। तो इसलिए आप जो डिविडेंड होती है जब कंपनियां बोनस देती है, स्प्लिट करती है, उससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ेंगे, साथ साथ जो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो आपका जो इनकम है वो भी बढ़ेंगे। तो बहुत ही बहुत अच्छा स्रोत होगा ये आपके अर्निंग का जब आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आइए जानते हैं वो वैसी कौन सी कंपनियां हैं जो हमारे स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा डिविडेंड और रेगुलर डिविडेंड पे करती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेस में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 कंपनीज के बारे में जो कि लगातार डिविडेंड पे करती है, रेगुलर डिविडेंड पे करती है, अच्छा डिविडेंड पे करती है और जिसमें ग्रोथ की भी संभावनाएं हैं आगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये है हमारा टॉप 10 कंपनियां जो कि लगातार डिविडेंड पे करती है और इसका डिविडेंड परसेंट भी यहां पर आपको दिखाएंगे हम, और डिविडेंड यील्ड भी है। जो डिविडेंड होता है हमारा ये फेस वैल्यू पर दिया जाता है। जैसे हमारा पहला स्टॉक देख सकते हैं कौन सा है, हमारा इन्फोसिस। इन्फोसिस ये जो डिविडेंड पे करती है ये 430%, मतलब जो हमारा पिछला ईयर है 2019 उसमें पे किया है। इन सारी कंपनियों के मैंने ट्रैक रिकॉर्ड को देख लिया है, ये लगातार डिविडेंड पे करने वाली कंपनियां हैं जिसका आप पिछले 10 साल 20 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो रेगुलर डिविडेंड पे करती आई है। तो जैसे ये लास्ट ईयर कितना पे की है, 430% ये अपने फेस वैल्यू 5 रुपीज़ पर पे किया है। फेस वैल्यू क्या है अगर जानना चाहते हैं तो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फेस वैल्यू क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है, अर्निंग और प्राइस रेशियो क्या है, इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो ये जो हमारा डिविडेंड पे करी है कितना, 430%। तो इसका मतलब हुआ कि ये फेस वैल्यू पर पे की है, तो जब आप 5 का 430% निकालेंगे ये अप्रॉक्स आपको 21 रुपीज़ के आसपास आएगा। मतलब इन्फोसिस जो है 2019 में 21 रुपीज़ डिविडेंड पे की है, तो या कहे इसका जो प्राइस है आपको देख सकते हैं 639 रुपीज़ आज का ये प्राइस है। ये प्राइस लगातार चेंज होते रहता है, तो जैसे हमारा मार्केट अप जाता है डाउन जाता है उसके अनुसार ये प्राइस रेगुलर चेंज होती रहती है। तो शेयर का प्राइस कब क्या है ये आप देख लेंगे। तो इस प्राइस का कितना परसेंट, तो जो प्राइस आप जिस प्राइस पर शेयर को बाय करते हैं उसका ये जो डिविडेंड पे करती है, मतलब जो 2019 में पे की है 3.36%। तो डिविडेंड यील्ड होता है जो कि उसके प्राइस का प्रतिशत होता है कि अपने मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसका ये 3.36% पे की है। मतलब या कहे कि जो 3.36% है, मतलब 100 रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं इन्फोसिस में तो आपको 3.36 रुपीज़ मिलेगा। ये हमारा डिविडेंड यील्ड होता है कि इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर इसका शेयर बाय करते हैं तो आपको 100 रुपया में 3.36 रुपीज़ जो है आपको मिलेगा डिविडेंड। साथ ही साथ इन्फोसिस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आगे चलकर ये आपको अच्छा रिटर्न भी देगा। तो ये है हमारा पहला इन्फोसिस। दूसरा है हमारा ITC। दोस्तों ITC अभी लगातार ये जो है एक FMCG कंपनी बनने की कोशिश कर रहा है। आप इसको देखेंगे कि बहुत सारे सेक्टर्स में स्टेशनरी जो हमारा है, स्टेशनरी समान, क्लासमेट का आप नोटबुक खरीदे होंगे, सीक्रेट की कंपनियां है ये। तो आप लगातार ये FMCG बनने की कोशिश कर रही है, जैसे ही FMCG बनती है तो ये आपको मल्टीबेगर रिटर्न दे सकते हैं। मतलब अभी इसका प्राइस है 181 रुपीज़ 55 पैसे। तो ये आपको आगे चलकर जब FMCG की अच्छी कंपनियां बन जाएगा तो कई टाइम्स, मतलब कई गुना रिटर्न दे सकती है। इसका जो फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ है और ये लगातार डिविडेंड कितना पे करती है अपने फेस वैल्यू पर, 575%, मतलब 5 रुपीज़ 75 पैसे। या कहें 100 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 100 रुपया पे आपको कितना मिलेगा, 3.17 रुपीज़। इतना आपको डिविडेंड मिलेगा 100 रुपया पे, 3.17 रुपीज़। तो ये हमारा हो गया ITC जो दूसरे नंबर पे है। तीसरा हमारा है TCS। इसका जो शेयर प्राइस है अभी
1775 रुपीज 20 पैसे और इसका जो फेस वैल्यू है 1 है और ये जो डिविडेंड पे करती है देखते हैं 3000% मतलब 30 रुपीज का डिविडेंड पे करती है पर शेयर। तो आप इसका एक शेयर बाय करते हैं तो आपको 30 रुपीज अप्रॉक्स ईयरली 30 रुपीज कभी 40 रुपीज कभी कभी 50 रुपीज भी एक साल में डिविडेंड पे करती है टीसीएस अपने एक शेयर पर। तो इस तरह से आप इसमें 100 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो डिविडेंड यील्ड देख लेते हैं। 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं इसमें तो आपको 1 रुपीज 69 पैसे आपको डिविडेंड मिलेंगे। और साथ ही साथ TCS जो है हमारा एक ब्लू चिप कंपनी है तो इसमें आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहता है और ये आपको अच्छे रिटर्न भी आगे दे सकते हैं। तो चौथा है हमारा इंडिया बुल्स हाउसिंग। तो ये कंपनी कभी शेयर जो था इसका 800, 900, 1200 का हुआ करता था, अभी आप इसका शेयर प्राइस देखते हैं मात्र 98 रुपीज़ है। तो इसको आप चेक कर लेंगे मतलब इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है और इसके बारे में सारे, ये कंपनी आगे कहीं डूबने वाली तो नहीं है, आगे इसका शेयर प्राइस और नीचे तो नहीं आने वाली है, तो इसका चेक कर लेंगे तब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। इसका फेस वैल्यू 2 है और ये लगातार इस पर 2000% मतलब अपने फेस वैल्यू पर कितना 2000% मतलब 40 रुपीज़, अगर अभी 98 रुपीज़ और इसमें आगे अच्छा मतलब रिटर्न देने की संभावना है तो इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये तो अपना 98 रुपीज़ में बाय करते हैं तो ये तो 1 ईयर में आपको 40 रुपीज़ डिविडेंड ही पे कर देगी, उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं 40% है मतलब 100 के आसपास ही है ये, तो 40 रुपीज़ आपको 100 रुपीज़ अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 40 रुपीज़ आपको डिविडेंड के रूप में ही मिल जाएगा, ये है डिविडेंड यील्ड। उसके बाद है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इसका जो शेयर प्राइस है अभी 158 रुपीज़ है, इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और ये इसका जो डिविडेंड परसेंट है वो 83.30% है, मतलब अपने फेस वैल्यू इतना परसेंट का डिविडेंड पे करती है। वहीं इसमें 100 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना डिविडेंड मिलेगा 5.27 रुपीज़। तो डिविडेंड यील्ड बहुत ही सिंपल है समझना, मतलब उस कंपनी में आप 100 रुपया अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 100 रुपया पे आपको कितना रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा, ये है डिविडेंड यील्ड। उसके बाद IOC देख सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका जो शेयर प्राइस अभी मात्र 83 रुपीज़ है और इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, अपने फेस वैल्यू कितना का डिविडेंड देती है 92.50% का, या कि इसमें 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड कितना मिलेगा 11.14 रुपीज़ का। तो देख सकते हैं ये हमारा डिविडेंड यील्ड। उसके बाद जो अगला कंपनी है वो है कोल इंडिया। दोस्तों IOC, कोल इंडिया, ONGC ये देखते हैं, हिंद जिंक या कहीं हिंदुस्तान जिंक, ये सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं। इसमें आपको ग्रोथ कम देखने मिलेंगे लेकिन ये इसका जो डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं यहाँ पर आप डिविडेंड यील्ड कितना बेहतरीन डिविडेंड है, मतलब 11 रुपीज़ आपको मिलता है 100 रुपीज़ पर, तो 11% का रिटर्न तो आपको जो ईयरली हो गया डिविडेंड के रूप में हो गया, लेकिन FD में आप इन्वेस्ट करते हैं मतलब FD करते हैं अपने रुपया का तो वो आपको 7% to 8% आपको रिटर्न देता है, जबकि ये आपको कितना दे रहा है 11% का। साथ ही साथ अभी जो प्राइस मिल रहा है वो बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, बहुत ही चीप वैल्यू पर आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आगे चल के आपको अच्छे रिटर्न भी देंगे साथ साथ डिविडेंड भी देंगे। लेकिन डिविडेंड के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं अच्छी कंपनियों को चूज करें, जो कंपनियां हम बता रहे हैं इसमें से जो आपको अच्छी लगे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं और लंबे समय के लिए करें, तभी आपको डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा साथ साथ बोनस का फ़ायदा मिलेगा, शेयर स्प्लिट होता है तो उसका फ़ायदा मिलेगा, तो हर चीज़ जो है आपको आगे चल करके इसका फ़ायदा मिलते रहेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगला है कोल इंडिया, देख सकते हैं इसका शेयर प्राइस है 140 रुपीज़ के अप्रॉक्स और इसका फेस वैल्यू 10 है, अपने फेस वैल्यू पर 131% का डिविडेंड देती है और ये जो डिविडेंड यील्ड है मतलब 100 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो मिलेगा यहाँ पर 9.35 रुपीज़ 100 रुपीज़ पर। अगला है 8वीं कंपनी वो है ONGC। दोस्तों ONGC ये भी गवर्नमेंट कंपनी है और इसका जो शेयर प्राइस अभी 72.90 रुपीज़ और इसका फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ और इसका जो अपने फेस वैल्यू पर डिविडेंड देती है दी है मतलब पिछले इयर्स, और ये सारे कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड मैंने चेक किया है पिछले 5 साल से ये लगातार डिविडेंड पे कर रही है, तो इसका जो डिविडेंड परसेंट है वो 140% अपने फेस वैल्यू पर, या कि इसमें आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये 100 रुपीज़ पर 9.60 रुपीज़ का डिविडेंड देती है सालाना।
ये अप्रॉक्स हर साल चेंज होती रहती है डिविडेंड, जितना मतलब उसका कमेटी जो हमारा है कंपनी का, वो जितना डिविडेंड देना चाहती है हर साल वो अपना डिक्लेयर करती है। तो ये हर साल चेंज होते रहती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, लेकिन ये इसका जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है ये हर साल रेगुलर डिविडेंड पे करती है। अगला है हमारा 9th नंबर पे हिंदुस्तान जिंक, ये इसका जो शेयर प्राइस है अभी 164 रुपीज़ है और इसका जो फेस वैल्यू है वो है 1 रुपीज़, और ये अपने फेस वैल्यू कितना का डिविडेंड पे करती है, 1000% का डिविडेंड पे की है पिछले साल, मतलब 1000% आप निकाल दीजिए कितना, 10 रुपीज़ का डिविडेंड। और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो देख सकते हैं कितना है हमारा, 12 रुपीज़ का, मतलब अगर 100 रुपया इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा अप्रॉक्स 12 रुपीज़ मिलेगा। अगला है हमारा ऑयल इंडिया, ऑयल इंडिया शेयर प्राइस अभी है 89.40 रुपीज़ और इसका फेस वैल्यू है 10, और इसका जो डिविडेंड परसेंट है 102%, इसका जो डिविडेंड परसेंट वो है 102%, और ये जो डिविडेंड पे करती है 11.47 रुपीज़ आपके 100 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पर। तो ये है हमारा ऑयल इंडिया। तो ये थी टॉप 10 कंपनियां जो रेगुलर डिविडेंड पे करती है और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड लगातार डिविडेंड पे करने की है। तो अगर आप भी डिविडेंड के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इनमें से जो अच्छी कंपनियां हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं कि कौन सी कंपनियों में आप इन्वेस्ट करें, और जब भी इन्वेस्ट करें एक लंबे समय के लिए करें। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।